कटिहार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोबाइल दुकानदार से तमंचे के बल पर लूटी हुई 12 लाख की अलग अलग ब्रांड्स के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वही मोबाइल दुकानदार से लूटी हुई बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल सहायक थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा ग्राउंड के पास से मोबाइल दुकानदार से हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर 48 घंटे के अंदर लुटेरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया। इसके साथ ही 4 शातिर बदमाशों को भी पकड़ा गया और लूट के 44 मोबाइल फोन और लगभग 2.5 लाख की अनुमानित कीमत की लूटी हुई बाइक भी बरामद कर लिया गया। एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि 15 फरवरी की रात हुई लूटकांड में शामिल 2 नए अपराधी हैं, जबकि 2 गिरफ्तार अपराधी का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। लूटकांड में इस्तेमाल पिस्तौल कारतूस के साथ साथ अपराधियों के मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है, जबकि फरार एक अन्य की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पंद्रह फरवरी की रात को एक सहायक थाना अंतर्गत हवाई अड्डा के पास एक मोबाइल कारोबारी के साथ एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें उनका नया मोबाइल था, लगभग उनके द्वारा लिखाया गया था 50, लगभग 50, और उनकी एक मोटरसाइकिल थी, उसको लूट लिया गया। घटना को गंभीरता को देखते हुए इसमें एक SDPO सदर के नेतृत्व में SIT का गठन हुआ। तकनीकी अनुसंधान, CCTV फुटेज और जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है उसके आधार पर हम लोगों ने काफ़ी त्वरित गति से इसमें कार्रवाई किया। 48 घंटे के अंदर इस पूरे कांड का उद्भेदन हो चुका है। इसमें जितनी भी लूटी हुई जो सामान है सब बरामद है। जो देसी पिस्टल है जिस जो प्रयुक्त हुआ है वो भी बरामद है। जो मोबाइल है वो बरामद है। मोटरसाइकिल जो लूटा गया था वो भी बरामद है। जो अपराधी सब है उन सब का जो मोबाइल है, जो घटना के समय जो यूज हुआ है वो सब बरामद है। इसमें एक गंगा दास है और एक शंकर सिंह है, ये मुख्य अपराधी है। यही दोनों ने जो है मोबाइल को जो है लूटा था। उसके बाद जो है एक दीपक नाम का अपराधी है वो, और एक अन्य अपराधी है जिसको कभी पकड़ना है। साफ है, अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जहां पुलिस और आम लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं बाकी फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। न्यूज़ लाइफ डेस्क, कटिहार।